लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले एमपी सरकार केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती चंबल कालीसिंध नदी जोड़ो परियोजना से लाभान्वित गांवों के किसानों को साधने में जुट गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन परियोजनाओं से जुड़े गांवों में जल कलश यात्रा निकालने का शुभारंभ किए। यह यात्रा 11 लोकसभा क्षेत्रों में निकाली जा रही है, जहाँ से यह नदियाँ और इनके प्रोजेक्ट जुड़ेंगे। आज से 14 मार्च तक 3 दिवसीय कार्यक्रम इसके लिए तय किए गए हैं। इसमें जल कलश यात्राएं निकालने, नुक्कड़ नाटक और चित्रकला प्रतियोगिताओं के आयोजन किए जाएंगे। राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में हुए कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि केन बेतवा और पार्वती काली सिंध व चंबल नदियाँ हमारे लिए जीवनदायिनी हैं। ऐसे रक्तवाहिनी हृदय और शरीर को पुष्ट रखती हैं। वैसे ही ये नदियाँ अलग अलग भूभाग में बहते हुए हमें समृद्ध और ताकतवर बनाते काम करती हैं। इन दोनों ही योजनाओं के पूरा होने से जल संकट से निजात मिलेगी। इसके चालू होने से विकास के अलग अलग सोपान एमपी तय करेगा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला, मंत्री प्रहलाद पटेल, करण सिंह वर्मा, तुलसी सिलावट, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी वीडी शर्मा भी मौजूद रहे।